नमस्कार पंजाब केसरी डॉट कॉम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार पवन सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति है। आइए जानते हैं कि भोजपुरी के मशहूर सिंगर और एक्टर पवन सिंह की शिक्षा और आय के बारे में। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। हलफनामे के अनुसार पवन सिंह ने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने 2004 में बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की। बताया जाता है कि बचपन से ही गाने का शौक रहने के कारण वे ज्यादा पढ़ नहीं सके। वहीं भोजपुरी सिंगर पवन सिंह लग्जरी कारों के शौकीन हैं। उनके पास कई नामी ब्रांड की कारें भी है। उनके कलेक्शन में 20 लाख की कीमत वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर, 25 लाख की कीमत वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और करीब 95 लाख की रेंज रोवर कार शामिल है। इसके अलावा पवन सिंह के पास 60,000 रुपए की कीमत वाली स्कूटी भी है। पवन सिंह की कुल कारों की कीमत 1,39,75,000 है। पवन सिंह के पास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी में एक फ्लैट है। इसके अलावा उनके पास मुंबई में 4 फ्लैट है। इन फ्लैटों की कुल कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए है। पवन सिंह की चल संपत्ति 5,04,93,819 रुपए है। वहीं अचल संपत्ति 10,31,38,840 रुपए की है। चुनावी मैदान में उतरे पवन सिंह के पास मात्र 60,000 कैश है। पवन सिंह और उनकी संपत्ति की संयुक्त संपत्ति कुल 2,60,10,237 रुपए है। उनके पास 31,04,000 रुपए के गहने भी है। पवन सिंह पर 1 करोड़ रुपए का कर्जा भी है। पवन सिंह पर कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। पहली बार चुनाव लड़ रहे पवन सिंह पर रोहतास जिले के विभिन्न थानों में आचार संहिता उल्लंघन के 5 मामले दर्ज है। ये मामले चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज किए गए। इसके अलावा पवन सिंह पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फैमिली कोर्ट में भरण पोषण का मामला भी दर्ज है। तो वहीं पवन सिंह के खिलाफ मुंबई की एक अदालत में शारीरिक शोषण का मामला लंबित है। 2019 में पवन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर 25 वर्षीय अभिनेत्री को कथित रूप से परेशान करने का मामला दर्ज किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 509, धारा 354 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने टिकट वापस कर दिया था। अब पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पवन सिंह काराकाट से जीत पाएंगे। हालांकि ये तो 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम में ही पता लगेगा। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।